तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर हमें काफी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। उसी के बारे में वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। और साथ वीडियो पर मतलब चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी कर लेना, ताकि यहाँ पर आपको जो है हमारे जो वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे पहले आप जो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें शुरुआत देखने को मतलब सबसे पहले गए यहाँ पर शो के अंदर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गए यहाँ पर से कोफी किंगस्टन और गए यहाँ पर से बॉबी लैशली के बीच में एंगल देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें बॉबी लैशली एंटर करते हुए दिखाई देगा, उसके साथ MVP भी आ जाए। और तभी वहाँ पर जो है वो जो बात करें कैसे वो जो पिछले हफ्ते हार गए थे कोफी किंगस्टन से, उसके बाद हमें एंगल देखने को मिल सकते हैं। कोफी किंगस्टन भी वहाँ पर आ जाए, साथ साथ क्या पता ड्रो मैकइंटायर भी वहाँ उन्हें इंटरप्ट करने के लिए आ जा सकते हैं। और यहाँ पर से फिलहाल पिछले हफ्ते देखा था कि एक सिंगल्स मैच होता, पर इसके तहत हमें जो है एक WWE चैंपियनशिप का मैच सेट होता हुआ दिखाई दे सकता है आज के मतलब कल के रॉ का मेन इवेंट के अंदर। और जहाँ पर से मुझे एक जो है मैच सेट होता हुआ दिखाई दे सकता है बॉबी लैशली और कोफी किंगस्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए। और कई साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पर से एक जेवियर वुड्स फेस करने वाले हैं यहाँ पर से कई रिडल कोफी, और कई रिडल वर्सेस जो है यहाँ पर ये मैच होने वाला। और कई यहाँ पर से क्या ये मैच रिडल ने एडवर्टाइज किया, और कई लगता है ऐसा कि मुझे रिडल इस मैच के अंदर जीतते भी दिखाई दे सकते हैं। रैंड रॉटन भी यहाँ पर इंटरक्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जहाँ पर ये भी हमको देखने को मिलने वाले कल शो के ऊपर। और साथ साथ यहाँ पर से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होने वाली कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जहाँ पर चैंपियंस यानी कि नटाली एंड अमीना अपना टाइटल डिफेंड करेंगे इनके स्नैच जैसे शीना बेलर, जो कि पिछले हफ्ते भी हुआ था। पर किस यहाँ पर से हमें एंगल देखने को सकते वुमेन्स टाइटल रिटेन भी करें, पर किस यहाँ पर से अलेक्सा ब्लिस और लिली का भी हमें जो है इस पूरे मैच के अंदर कुछ रोल होता हमें दिखाई दे सकते हैं। और कहीं यहाँ पर से कुछ ना कुछ हमें चीज़ें भी वो करती हुई दिखाई दे सकती है कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर। और साथ साथ एज स्टैच रोमोस जो है अलेसन जैक्सन राइकर के साथ उनके राइवलरी में कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे फिलहाल जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था वैसे ही या कुछ जो है हो सकता है, फिर एज स्टैच का अगेंस्ट अलेस मैच भी हो सकता है। और साथ साथ यहाँ पर से हमारे शेमस का भी ओपन चैलेंज देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर से, वो फिर एक बार के सुपरस्टार के मुझे धज्जा उड़ाते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर क्या पता कल हम बैटो करें अपना रिटर्न भी करते हुए दिखाई दे, या फिर या फिर खुशी होने जो है फिर से एक बार चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं US चैंपियनशिप के लिए। पर इस मेन इवेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है बॉबी लैशली वर्सेस गाइस यहां पर से कोफी किंगस्टन के बीच WWE चैंपियनशिप का ऑन द लाइन मैच। और गाइस यहां पर से ये हो सकता है WWE चैंपियनशिप के मेन इवेंट के अंदर मैच। और गाइस यहां पर से फिलहाल बैकस्टेज से रिपोर्ट है कि बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फिर से होने वाला है बैकलैश के बाद हेल एंड सेल के अंदर। और यहाँ पर से कोफी किंग्स ने को यहाँ पर से राइवलरी के अंदर WWE निकाल सकते हैं, और कहीं यहाँ पर से बॉबी लैशली मेन इवेंट के अंदर अपनी टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। पर कहीं यहाँ पर से उसके बाद ड्रू मैकइंटायर आकर उनके ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कहीं वो फिर से एक बार दोबारा टाइटल शॉट मांगने की हमें डिमांड भी करते हुए कल रॉ के ऊपर देखने को मिल सकता है। और कहीं जिसके तहत उनका हेल एंड सेल 2021 के अंदर मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो इस बस ये भी कुछ आज की वीडियो ऐसे मुझे लग रहा है कल के रॉ के अंदर होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। बाकी बच्चे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपके साथ आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।